नमस्ते नमस्ते। और ये वज्रासन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, खाना खाने के बाद आप जो जिनसे अभ्यास नहीं होता, जो मोटे हो गया, जो भी है, एक मिनट, आधा मिनट, आधा मिनट, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, पाँच मिनट, जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप इसको कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बचपन में किया था जब मुझे ल्यूक्यूरा की प्रॉब्लम हो गई थी। देखो बैठ, देखिए बैठते कैसे, मेरा बेटा बता रहा है आपको, इस तरह से आप बैठते हैं। तो ल्यूक्यूरिया स्वप्नदोष, यानी कि हम भाषा में कहें तो ल्यूक्यूरा क्या होता है, ल्यूक्यूरा हमें 2016 में हुआ था। शरीर में गर्मी बढ़ने से हमें डिस्चार्ज होता है, क्योंकि हमारी हड्डियों को गलाता है, मतलब हड्डियों का पानी बोलते रहता है, कमज़ोरी आती है। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली थी, तब मेडिसिन ली थी, यूनानी मेडिसिन, तो उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन मैं आध्यात्मिक लगाओं के बारे में पढ़ती थी, तो फिर मैंने ये सीखा। तो आप बताइए, क्या तो सीखा तो इससे बहुत लाभ हुआ है। बेटा मेरा बेटा बताया कैसे बैठना है, घुटनों के बल ऐसे बैठ जाना है, शांत सीधा, गर्दन सीधी, और इस तरह से मन को शांत करते, ध्यान भी आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और गहरी लंबी सांस ले लें, या फिर आप हल्की हल्की मंदी सांस से आँख बंद करके बैठ जाएं। जितना आपसे बैठा जाए शुरू में, आधा मिनट, एक मिनट या पाँच मिनट, आप भी बताइए, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे डलेगा ना मेरा बेटा, ऐसे नहीं, आप भी बताइए। और इसके करने से क्या होता है बताओ, इससे हमारा डाइजेशन पावर ठीक होता है। हाँ, हमारे हमारे दिक्कत होती है, एनीमिया ठीक होता है, इससे खून की कमी, खून की कमी, और इससे ना पचाव जल्दी होता है, बस 6 घंटे। हाँ, पाचन तंत्र को बहुत बूस्ट देता है। 5 मिनट बैठना आपका आधा घंटा वॉक के बराबर है, और बहुत आपको इससे लाभ होगा। आप जरूर कीजिए सब ब्रह्मचर्य के पालन में, यानी कि जो आपके कामुक विचार आते हैं उनको भी इरेज करने में, आपके कंट्रोल करने में आपके ब्रह्मचर्य के पालन में आपको सहायता करता है। तो आपके अंदर अगर ज़्यादा ही कामुक विचार आते हैं तो उसको भी नियंत्रित करता है। तो बहुत ही बढ़िया है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए खासकर। और इससे क्या होता है, यहाँ पे कपाल में अमृत होता है। तो जब ऐसे हम खाना खाने के बाद करते तो जठराग्नि द्वारा डर सूर्य स्थापित है, भस्म हो जाता है। लेकिन जब इस मुद्रा में बैठते हैं तो वो अमृत भस्म नहीं होता। और ठीक है, इससे हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती है। आप ज़रूर इसे अपनी डेली मुद्रा में शामिल कीजिए। लेकिन अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है फेस की या किसी बॉडी पार्ट्स की, तो उसको ना करें, ठीक है। जब आप ठीक हो, स्वस्थ हो, कोई सर्जरी ना हुई हो तो करें, सर्जरी के 1-2 महीने बाद आप कर सकते हैं, और अपने डॉक्टर से पूछ करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, बहुत अच्छा अनुभव था कि ल्यूक्यूरा की प्रॉब्लम, स्वप्न दोष की प्रॉब्लम, ल्यूक्यूरा की प्रॉब्लम आजकल लड़कियों को आम है। वैजिनल डिस्चार्ज जैसे होता है, जिसमें बहुत पेन होता है, परेशानी होती है, हमारे शरीर की ताकत जाती है, तो वो सब आजकल एक आम बात है। तो वो सब ही कंट्रोल करते हैं आप, कीजिए सब। बहुत मेरी बहनों को, बहुत लड़कों को, लड़कियों को ये प्रॉब्लम आजकल है, लड़कियों को खासकर हो रखी है आजकल, और फिर बहुत हड्डियों में दर्द होता है। तो ज़रूर कीजिए, इस तरह से बैठिए, आधा मिनट, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, इस तरह से अभ्यास के द्वारा 5 मिनट तक बैठना है। तो आप खुद देखेंगे कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल मन भी शांत होगा, एकाग्रता और शांति भी आपको प्राप्त होगी। चलिए, तो ये था हमारा वज्रासन। और इसी में आप चाइल्ड पोज कीजिए, बेटा चाइल्ड पोज करके दिखाइए। वज्रासन में चाइल्ड पोज होती है, ठीक है। आप ये सुबह भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो वज्रासन आप जिससे बैठे थे सिंपल, तो वो खाना खाने के बाद डेली आप कीजिए, 1-2 बार। इस तरह से गहरी सांस लेते हुए नीचे जाना है 5 बार, ठीक है। और सांस भी ज़्यादा खींच के नहीं लेनी रतनों से, ये आपका चाइल्ड पोज है। तो आप 5 से 10 बार इसको इस तरह से दोहरा सकते हैं। आप देखते होंगे मुस्लिम जो है, मुस्लिम नमाज पढ़ते हुए इसी तरह से बैठते हैं, इसी तरह से बार बार करते हैं। तो वास्तव में भगवान शिव एक अल्लाह का रूप है, पीर का रूप है, लोग माने ना माने, उनके योगदान में जो भी चीज शामिल है वो उन्होंने सभी धर्मों में डालने की कोशिश की। तो ये विशेष वज्रासन मुस्लिमों द्वारा हमेशा किया जाता है अपनी इबादत के तौर पर। तो आप देखते हो कितना मगज वगैरह भी खा जाते, डाइजेशन हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ल्यूक्यूरिया स्वप्न दोष से बचने के लिए। और इसका दूसरा नाम ब्रह्मचर्य आसन भी है। और साथ में हमने किया चाइल्ड पोज बालासन, जो घुटनों के दर्द को भी ठीक करता है, बहुत सारी बीमारियों को, एजिंग इफेक्ट को रोकता है आपका वज्रासन।
यानी अमृत सेव होता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती है। चलिए धन्यवाद, आप नमस्ते। अगला कीजिए।